platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. Today we are going to start unit number 6 of grade 5 science, light and sound. आज का हमारा टॉपिक मेंशन है वो है वे टू रिड्यूस नॉइस पोल्यूशन. हम नॉइस पोल्यूशन को किस तरह से कम कर सकते हैं. तो स्टूडेंट हम साउंड प्रूफिंग का जो सिस्टम है वो यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अपने घरों में, अपने ऑफिस वगैरह में कारपेट्स और रग्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कारपेट्स और रग्स जो है बहुत ज्यादा जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. इसके अलावा हम हाई क्वालिटी विंडो की जो ग्लासेस है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. कर्टन जो हाई क्वालिटी के होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बाहर से आने वाली नॉइज़ेस हैं उनको अब्सॉर्ब कर सके. इसके अलावा सुनो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं हमारे सराउंडिंग में जैसे लाइक टीवी, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर्स वगैरह, अगर हम उनको यूज नहीं करें तो बेहतर है कि हम उनको ऑफ ही कर दें, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा नॉइज़ क्रिएट करती हैं. सुनो इसके अलावा हमें एयरप्लग्स यूज करने चाहिए और ऐसे हेडफोन्स यूज करने चाहिए जो कि जो नॉइज़ है उसको रिड्यूस कर सके. स्टूडेंट हमें जो घर है वहां पे लेना चाहिए या वहां पे हमें रहना चाहिए, उन एरियाज में रहना चाहिए जो कि रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा दूर हो, हाईवे से बहुत ज्यादा दूर हो, क्योंकि इन डे टाइम में तो हमें इतने जो है वो नॉइस का एहसास नहीं होता, लेकिन रात में जो है हम जब सोते हैं तो इन नॉइसेस का बहुत ज्यादा, ये जो नॉइसेस है हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है और हमारी स्लीप को जो है हमारी नींद को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है उससे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट हो सकते हैं. आप लोग जानते हैं कि लाइट जो है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू साउंड. इसकी एग्जांपल ये है कि कभी भी अगर आपने रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि अगर लाइटनिंग हो रही है, अगर बिजली अगर बाहर कट रही है, तो आप देखेंगे कि हमें लाइटनिंग की जो लाइटनिंग है वो पहले नजर आएगी और जो थंडर की वॉइस है, जो नॉइज है, वो हमें बाद में सुनाई देगी. इसका मतलब ये है कि जो साउंड है वो थोड़ा सा लेट हमारे तक पहुंचता है और जो लाइट है वो हमारे तक पहले पहुंच जाती है. इट मींस कि लाइट की जो स्पीड है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू साउंड. ये तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.